हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू गाइस, सभी लोगों का एक और नई मजेदार वीडियो में। तो इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से नहीं आता, तो भाई साहब मैं कहता हूँ ये वाली वीडियो एंड तक देख लो और इसके बारे में आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। आज के दिन जो मार्केट ओपन हुआ था, आप देख सकते हो, जिसको भी यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आते हैं उन्हीं लोगों ने पैसा बनाया हुआ। दूसरे सारे लोगों ने जिसको भी अधूरी नॉलेज है, मतलब कि कम नॉलेज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, उन सारे लोगों ने यहाँ पर आज के मार्केट में पैसे गंवाए होंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप देख सकते हो, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देख सकते हो आप किस तरीके से वो नीचे तो आया लेकिन फिर ऊपर गया। देखो, मतलब कि कुल मिलाकर मार्केट बहुत ही बड़ी बेरिश मूवमेंट कर रहा था। यहाँ पर जिसको भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छी तरीके से आता होगा वो ही यहाँ पर पैसा बनाया होगा और सारे लोगों ने गवा दिए होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट हम किस तरीके से लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मार्केट इस वाले कैंडल पे ओपन हुआ। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ तो सबसे पहला हमारा सपोर्ट क्या होता है, कल के दिन का लो। मतलब कि कल के दिन का लो कहाँ था, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी इसको लो को रख सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी लो को रख सकते हो। मैं प्रिफर यही करूँगा कि अगले दिन का सबसे बड़ा जो लो है उसे हम रखते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेना है और यहाँ पर सिंपल यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट ड्रॉ हो जाएगा। सपोर्ट ड्रॉ होने के बाद दूसरी बात क्या आती है, हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आप किस तरीके से पकड़ सकते हो, तो चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। जो भी बड़ा हाई बना होगा, जहाँ तक पिछले किन दिनों में मार्केट गया होगा, वो आपका हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कभी भी और सपोर्ट कभी भी ट्रेंड लाइन नहीं होता, मतलब कि आप जो एक लाइन ड्रॉ करते हो वो नहीं होता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली एक जोन होते हैं जो कि आपको सही से मार्केट में ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने बात तो कर ली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से प्लॉट करते हैं। उसके बाद बात आ जाती है, कई लोग आप सुनते होंगे कि भाई साहब ये हो गया हमारा सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, रेजिस्टेंस वन, रेजिस्टेंस टू, तो ये किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने पहले दिन की जो मार्केट, जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया था, वो जगह पर हो गया आपका पहला सपोर्ट और आपका दूसरा सपोर्ट यहाँ पर कहाँ पर होने वाला है। तो दूसरा सपोर्ट आपका यहाँ पे होने वाला है, आप देख सकते हो यहाँ पर दूसरा मेन सपोर्ट। अगर मार्केट इस जगह से कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा और मार्केट ने जब इस जगह का लो ब्रेक कर दिया, तो 110% श्योर है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा जाएगा और जाएगा। मार्केट को यहाँ पे नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 27 दिसंबर को भी मार्केट यहाँ पर रिवर्स करके ऊपर गया था। उसके बाद यहाँ पर ये कौन सी डेट है, 3 जनवरी, 3 तारीख को भी मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर गया था। और अब की बार जब मार्केट आएगा तो 90% चांस हो गए कि ये वाले दिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा धड़ाम देरी से गिरेगा। उसके बाद बात आ जाती है कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पर होने वाला है। तो भाई साहब रेजिस्टेंस मैं कहता हूँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आप इंट्राडे में करते हो, तो मैं कहता हूँ आप सपोर्ट पहले, तो जब मार्केट ओपन हो तो उससे पहले सपोर्ट बना के रखो। रेजिस्टेंस मैं कहता हूँ आपका जो लेवल आगे का है उसके लिए बनाने के लिए आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो, और उसके बाद आपकी 2-3 कैंडल बन जाएगी। उसके बाद आप अच्छा खासा सपोर्ट, मतलब कि रेजिस्टेंस प्लान कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद मार्केट आया नीचे, यहाँ से मार्केट थोड़ा रिवर्स हुआ, तो क्या ज़रूरत पड़ेगी इसको, इसको अपने रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस कहाँ पे हुआ, एनी आइडिया, हमारा फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस हुआ यहाँ पे। जब मार्केट इस वाले, रुक जाओ इसको हटा देता हूँ, जब मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो 50% चांस है कि मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस तक आने की पूरी कोशिश करेगा। ये वाला हो गया हमारा रेजिस्टेंस टू,
ये वाला हो गया हमारा रेजिस्टेंस 1, ये वाला हो गया सपोर्ट 1 और ये वाला हो गया सपोर्ट 2। तो भाई साहब मैं कहता हूँ, मैंने सिंपली बिगनर्स के लिए ही समझाया और जितना मेरा एक्सपीरियंस है 3 सालों का, मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो आपको और कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे आप पहली बार हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी एक नई वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए बाय। और आपके जो डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर भी वीडियो लाने की पूरी पूरी कोशिश करता रहूँगा। तो चलिए अब मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।